मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया है, अब आप रिपोर्ट लिखवाने थाने में चले गए हैं। अब पहले तो थाना आपका एफआईआर लेना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि जीडी कर लीजिए, एफआईआर क्यों करना है। वो कहेगा कि डोंट यूज द वर्ड स्टोलन, यूज द वर्ड लॉस्ट। वो ये भी कहेगा कि अगर आप एफआईआर करवाएंगे तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, पुलिस आपके घर कभी भी पहुंच जाएगी पूछताछ करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ बहाने दिया जाएगा। पर मान लीजिए आप एडमेंट है, आप जागरूक है, आपको एफआईआर ही रजिस्टर करवाना है। अब आएगा दूसरा एक्सक्यूज, जो कि बस इस केस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप थाने में कुछ भी रिपोर्ट करवाने जाइए ये एक्सक्यूज शायद आपको सुनना पड़ेगा। वो ये है कि ये घटना हमारे इलाके में आता ही नहीं है, किसी दूसरे थाने के इलाके में आता है, वहां पे जाके एफआईआर रजिस्टर कीजिए, हमारे इलाके में तो ये आता नहीं। एंड दैट्स वेयर टुडेस टॉपिक जीरो एफआईआर कम्स। तो जब भी पुलिस आपसे ये कहेगा कि ये घटना हमारे इलाके में है ही नहीं, तो समटाइम्स दे विल बी राइट, समटाइम्स दे विल बी रॉन्ग। एक वक्त तक इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता था, इनफैक्ट ऐसा भी देखा जाता था कि मान लीजिए आप थाने ए में गए हैं, वहां पे आपसे कहा जा रहा है कि ये हमारे इलाके में नहीं है, थाना बी में जाइए, और थाना बी कह रहा है ये हमारे इलाके में नहीं है, आप थाना ए में जाइए। अब एज अ नॉर्मल सिटीजन आप क्या करेंगे, थाना ए या थाना बी कोई भी आपका इंफॉर्मेशन ले नहीं रहा है, अब आप कहां जाएंगे? एंड व्हाई शुड यू बी हैरेस्ड लाइक दैट व्हेन व्हाट यू वर डूइंग वाज मेयरली कंप्लाइंग टू योर लीगल ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मिंग द पुलिस ऑफ एन ऑफेंस दैट हैज टेकन प्लेस। आपका तो कोई गलती नहीं है, तो व्हाई शुड यू बी हैरेस्ड लाइक दैट। तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए द कोर्ट्स एंड द लीगल माइंड्स ऑफ द कंट्री केम इनटू प्ले, एंड थ्रू अ लॉन्ग रेंज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर वाज बॉर्न। इस डेवलपमेंट का पहला इंस्टेंस हमें मिलता है 1993 में, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामालू के केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न थाने के कांस्टेबल को रिप्रीमांड करते हुए यह कहा था कि the action of that constable of not registering an FIR on the information provided to him on the ground of territorial jurisdiction will amount to dereliction of duty on his part or neglect of duty on his part. Supreme Court ne is baat pe bhi zor diya ki the constable was under legal obligation to register the FIR based on the information that was provided to him, and then you are supposed to transfer the information to the concerned police station. But क्योंकि ये observation generalized नहीं था, यानी कि any police officer failing to register FIR on the ground of territorial jurisdiction will be said to have committed failure of duty, ऐसा नहीं कहा गया था। तो ये judgment precedence के उस status को कभी achieve नहीं कर पाया और एक वन ऑफ इंसिडेंट बन के ही रह गया 1993 में। एंड द पुलिस कल्चर ऑफ रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर एफआईआर ऑन द ग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इट कंटिन्यूड स्ट्रेट अप टू डिसंबर 2012, एंड देन द निर्भया इंसिडेंट हैपेंड। ये शायद स्ट्रेट थर्ड या फोर्थ वीडियो है जिसमें मैंने निर्भया इंसिडेंट का जिक्र किया है। इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट दिस इंसिडेंट इन शेपिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन क्रिमिनल जस्टिस मशीन। एनीहाउ, आफ्टर दैट इंसिडेंट जस्टिस वर्मा कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू सजेस्ट सम चेंजेस इन द इंडियन क्रिमिनल लॉ, ताकि वो आज के सिचुएशन के साथ कोप अप कर सके। एंड मोस्ट ऑफ द सजेशंस ऑफ दैट कमिटी वॉज रिगार्डिंग रेप लॉज, पर कुछ अदर सजेशंस भी दिया गया था, अदर रिकमेंडेशंस भी किए गए थे, वन ऑफ विच वाज जीरो एफआईआर। इट वाज रिकमेंडेड दैट द पुलिस मस्ट लॉज एनी एफआईआर एंड टेक क्विक एक्शन विदाउट लुकिंग इनटू टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। और यही पे जीरो एफआईआर इस टर्म का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया, विच बेसिकली मीन्स एन एफआईआर रजिस्टर्ड इन अ पुलिस स्टेशन अबाउट एन इंसिडेंट which does not come under the territorial jurisdiction of that police station. अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाके किसी इंसिडेंट के बारे में एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, जो इंसिडेंट उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है, तो वो एफआईआर जीरो एफआईआर कहलाया जाएगा। Now after this came the case of ललिता कुमारी versus the state of उत्तर प्रदेश, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर एफआईआर
under section 154 of the code of criminal procedure on receiving information, notwithstanding whether such incident happened within the territorial jurisdiction of the police station or not. और इस जजमेंट ने इंडिया में जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई कर दिया। बट नाउ एनफ ऑफ हिस्ट्री लेसंस, आज मैं वापस आते हैं। आज मान लीजिए आप एक ऑफेंस को रिपोर्ट करवाने थाने में जाते हैं और आपसे थानेदार ये कहता है कि ये हमारे एरिया में आता ही नहीं है, हम इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। आप उस थाने में जाइए, उसके इसके जुरिस्डिक्शन में ये आता है, ये इंसिडेंट आप वहां जाके कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? आप ना उस बात की सच या गलत होने पे जाएंगे ही नहीं। आप ये कहेंगे कि सर मुझे उतना नहीं पता कि ये आपके इंसिडेंट आपके जुरिस्डिक्शन में हुआ है नहीं हुआ है, मुझे ये पुलिस स्टेशन सबसे कन्वीनियंट लगा तो मैं यहाँ पे आ गया। अब अगर ये घटना आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर हुआ है तो आप प्लीज एक जीरो एफआईआर रजिस्टर कीजिए और फिर उसको जो कंसर्न थाना है वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए। पर अपना एफआईआर तो मैं यहीं पे लिख पाऊंगा। जाहिर सी बात है आपकी इस सिंपल बात से पुलिस ऑफिसर मानेगा नहीं, खासकर क्योंकि भारत में अभी बहुत से ऐसे जगह है जहां पे खुद पुलिस ऑफिसर्स को जीरो एफआईआर के कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस और एडुकेशन की बहुत जरूरत है अभी भी, बट आप अपने दिल में ये जानिए कि आप सही है एंड द पुलिस इज लीगली बाउंड टू रजिस्टर योर एफआईआर। अगर वो नहीं करती है ऐसा तो आपके पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जो अगर आप अपनाएंगे ना तो एक तो उसे रजिस्टर करना ही पड़ेगा एफआईआर, ऊपर से अगर आप वो तरीके अपनाएंगे तो उस पे ही, उस पुलिस ऑफिसर पे ही उल्टा इंक्वायरी चालू हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या तरीके हैं तो आप कमेंट्स में नीचे बताइए और हम एफआईआर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर ना करने पर क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उस पे भी एक वीडियो बना देंगे। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अगर आप थोड़ा शक्ति दिखाएंगे ना तो पुलिस को आपका रिपोर्ट आपका एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। दोस्तों ये था जीरो एफआईआर की कहानी बड़े ही चंद शब्दों। ये जीरो एफआईआर एक आम सिटीजन को पावर देती है सो दैट ही डजंट हैव टू थिंक मच बिफोर गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ रिपोर्ट। आज इंडिया में किसी भी पॉइंट में हुए ऑफेंस को आप इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवा सकते हैं एंड देन इट विल बी द पुलिस ड्यूटी टू ट्रांसफर द केस टू द एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन। ये पावर जीरो एफआईआर एक आम नागरिक को देता है जो कुछ साल पहले भी हमारे हाथ में नहीं था। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इट ओनली कॉस्ट 0.0005 कैलोरीज टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड यस दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, कर दो यार, बाय।